केंद्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए उद्योगों पर अधिक से अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। इसी से प्रेरित होकर चित्तौड़गढ़ में चार दोस्तों ने मिलकर 8 वर्ष पहले मांदलदा औद्योगिक क्षेत्र में फर्नीचर बनाने का प्लांट मेवाड़ फर्नीचर के नाम से शुरू किया, जिसमें आज करीब 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी मेहनत से आज उनके फैक्ट्री में बन रहे उत्पाद 17 से अधिक राज्यों में पसंद किए जा रहे हैं। वहीं इस प्लांट की खास बात यह है कि तकनीकी रूप से पूरा ऑटोमेटिक प्लांट होने के साथ पर्यावरण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मेवाड़ फर्नीचर प्लांट के डायरेक्टर अनिल मुंदड़दा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के विजन से प्रेरित होकर वर्ष 2015 में चार दोस्तों ने, उनके अलावा गजेंद्र, नवीन और मयंक ने मिलकर चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ नया करने की सोच के साथ चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर मांदलदा औद्योगिक क्षेत्र में मेवाड़ फर्नीचर के नाम से छोटा सा उद्योग शुरू किया, जिसे विंसम ब्रांड नाम दिया गया। अच्छी गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ कम मुनाफे के साथ बाजार में इसे उतारा गया। यह उत्पादन सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2000 से संचालित हो रही बालाजी फर्नीचर पर बिक्री के लिए जारी किया गया और धीरे धीरे लोगों की यह पहली पसंद बन गया। इसी से प्रेरित होकर वर्तमान में करीब 1.5 लाख स्क्वायर फिट में फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट संचालित हो रहे हैं और जिससे करीब 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें कई महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्लांट की खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने के साथ पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में इस प्लांट में निर्मित उत्पाद राजस्थान और चित्तौड़गढ़ के अलावा 17 अन्य राज्यों में दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, असम सहित उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस प्लांट में ऑफिस, होटल, घरेलू काम में आने वाली फर्नीचर, डबल बेड, सोफा, टी टेबल के साथ अन्य उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं और भविष्य में इसमें अलमारी और स्टील के उत्पादन भी बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सर, क्या नाम आपका? अनिल मुंदड़ा। अनिल, एक्चुअली में हम लोगों ने सन 2000 में फर्नीचर की स्टार्टिंग की थी, फर्नीचर शोरूम से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता गया, हम अपने अपने लेवल को बढ़ाते गए। फिर हमने छोटी यूनिट स्टार्ट की शोरूम पे ही, शोरूम के ऊपर ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और हम उसको सेल करते थे। फिर हमारी क्वालिटी, हम बहुत अच्छी क्वालिटी पे फोकस करते थे, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी बनती थी, तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता गया। फिर हमने इसको जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हमने फिर उसको बड़े लेवल पे करने का सोचा कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, तो क्यों ना इसको बड़े लेवल पे किया जाए। तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार के जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट चल रहे हैं प्रोग्राम्स, तो और दूसरा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इम्पोर्ट कम हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा प्लांट लगाने का प्लान किया और सन 2015 में हमने मेवाड़ फर्नीचर लिमिटेड की स्थापना की और हमने अपना ब्रांड नेम बनाया विंसम फर्नीचर। फिर 2015 में हमने 30,000 स्क्वायर फिट का एरिया कंस्ट्रक्ट करके शेड बना के हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमारा काम बढ़ते गया, पहले हम राजस्थान में काम करते थे, फिर राजस्थान के बाद में हम MP स्टार्ट किया, हमारा ब्रांड अच्छा पकड़ करने लगा मार्केट में। फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में बढ़ते गए, हमने प्लांट भी धीरे धीरे उसको बढ़ा करते गए। आज हम सन 22-23 में आके हम लोग करीब 1.5 लाख से 2 लाख स्क्वायर फिट का हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें हमारे पास 250 लोगों की टीम है, जिसमें करीब 20 से 25 हम महिला कर्मचारी हमारे पास ऑफिस में इसमें, और करीब 40 से 50 हमारे पास टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो पूरी टीम हमारे साथ में काम करती है और पूरा सपोर्ट करती है। और हमारे पास शुरू से लेके
करीब 50-60 लोग तो हमारे पास ऐसे हैं जो हमने जब प्लान स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक हमारे साथ में है। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए। हम 4 लोगों की टीम है जिसमें हमारे साथ गजेंद्र है जो सी ए बाई प्रोफेशन, वो मेरा फ्रेंड है, प्लस मेरा छोटा भाई जो नवीन मुंद्रा, प्लस साथ में मयंक है। हम 4 लोगों की टीम है, इनके आपस में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम साथ में मिलजुल कर आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको काम कैसे किया जाए, लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हो पा रहे हैं। हम अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है हमारा, 17 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं अभी, और इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी और बिजनेस को सपोर्ट करती रहेगी तो हम इससे भी डबल कैपेसिटी का प्लांट लगाने की प्लानिंग में है, जिसमें हम रिवॉल्विंग चेयर्स का, मैट्रेस का, इनका सबका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम एड ऑन करेंगे। आज हमारे जैसे डबल बेड, हमारे वार्डरोब्स, इनकी बहुत अच्छी डिमांड है, हमारे सोफों की बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि हम जो क्वालिटी फिनिशिंग पे जो काम करते हैं और अफोर्डेबल रेंज में, सबसे बड़ी बात हमारी क्वालिटी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हम प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम मार्जिन पे, ताकि क्या मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके, मैक्सिमम दुकानदारों तक हमारी रीच पहुंच सके। हम उसी को ध्यान में रखते हुए रेगुलर अपडेट करते जा रहे हैं और अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हम और अच्छा इसको ऑपरेट करेंगे। और जो सरकार का, राजस्थान सरकार और मोदी जी का जो प्लान है स्किल इंडिया डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, उसको हम पूरा सार्थक करने का प्रयास। जैसा कि अभी आपने देखा होगा हमारे पूरे प्लांट में प्रदूषण का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, हमने डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है पूरे प्लांट की, ताकि जो मशीनों से डस्ट, जो ड्रिलिंग वगैरह से जो मशीनों से डस्ट निकलती है वो सारी उसमें डस्ट एब्जॉर्ब होकर एक जगह पर इकट्ठी होती है। प्लस पूरी रेगुलर 5-6 लोगों की टीम पूरी दिन भर सफाई करती है, 3-4 बार सफाई प्रॉपर चलती रहती है। प्लस कर्मचारियों की, मतलब डस्ट हमारे प्लांट में नहीं मिलेगी, प्रदूषण हमारे प्लांट में नहीं मिलेगा आपको, तो स्पेशली प्रदूषण का ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखा जाता है, उनका बराबर टाइम टू टाइम हम हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं और भी हर तरह से, जैसा कि फिल्टर प्लांट लगा कर हमने पानी के लिए, स्टाफ के लिए, सफाई के लिए, हर चीज़ प्रॉपर वेल मैनेज तरीके से हमने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सारे जितने भी एफर्ट्स लगा सकते हैं वो सारे किए हुए हैं।